गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। तो अभी हम लोगों की डीएनए एप्लीकेशन की जो सीरीज चल रही है एंड द एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन डीएनए एप्लीकेशन, उसमें अगर कुछ दिनों से अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा था जो जितने भी टॉपिक्स हैं, क्योंकि नेटवर्क एरर की वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से। तो देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन का जब मैंने आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे जो आप लोगों को ऑलमोस्ट वो सभी चीजें क्लियर है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के महत्वपूर्ण बिंदु बताने के बाद जो है मैंने स्टेप बाय स्टेप बताना स्टार्ट किया था कि किस प्रकार से एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप ऐसा होगा करके, जिसमें पहला जो स्टेप था वो था इनिशिएशन। ठीक है, तो उस चीज को हम लोगों ने ऑलमोस्ट अभी अभी समझ लिया है इनिशिएशन भी, लेकिन अगर किसी को क्लियर नहीं है तो एक बार मैं फिर से इनिशिएशन का जो हम लोगों का टॉपिक है वो उसको अच्छे से मैं समझा देती हूँ। ठीक है, ये जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं इनिशिएशन, ये किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, जो डीएनए रेप्लिकेशन में अगर स्टेप वाइज अगर होते हैं जितने भी जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है आपका इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन जो है एक सबसे पहला स्टेप है जो आपके डीएनए रेप्लिकेशन में होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन होने के लिए पॉइंट नंबर वन सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ये है कि हम लोगों को एक ओरिजिन पॉइंट जो है वो ढूंढना रहता है हमारे डीएनए में। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट को हमको ढूंढना रहता है। अब ये ओरिजिन पॉइंट को ढूंढना भी एक टास्क है। ओरिजिन पॉइंट को इसलिए ढूंढा जाता है क्योंकि वो वही पॉइंट रहेगा जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, इसलिए ओरिजिन पॉइंट को ढूंढना रहता है। अब ओरिजिन पॉइंट को ढूंढने के पीछे भी एक चीज है कि ऐसे ही कहीं पर कहीं से भी आपका नहीं है कि हो जाएगा आपका डीएनए रेप्लिकेशन और आराम से मतलब ओरिजिन मिल जाएगा। ओरिजिन पॉइंट को ढूंढना भी एक टास्क होता है। उसे कैसे ढूंढा जाता है उसे मैं भी अब आप लोग को बता देती हूँ। एक सेकेंड, देखिए इनिशिएशन जो है ओरिजिन पॉइंट से जानने से पहले एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनिशिएशन मतलब स्टार्ट होना, किसी भी चीज का आरंभ होना, इनिशिएट होना, मतलब स्टार्टिंग करना, शुरुआत करना। इनिशिएट को हिंदी में हम शुरुआत करना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इनिशिएशन बोला जा रहा है मतलब शुरुआत करना। तो शुरुआत कैसे होता है, हम लोगों ने अभी तक के डीएनए को जितना भी समझा है हमने ये समझा है कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, और डीएनए का अगर रेप्लिकेशन होना है तो इस डीएनए के डबल स्ट्रैंड को तोड़ना रहता है, टूटना होता है। और जब ये टूट कर सिंगल सिंगल स्ट्रैंड हो जाते हैं तो उसके बाद आगे की प्रोसेस होती है और फिर डीएनए का प्रॉपर रेप्लिकेशन जो है वो होता है। अभी तक के हमने ये समझा है। तो डीएनए को तोड़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। डीएनए को तोड़ना इतना आसान नहीं है जितना कि हमको प्रतीत होता है, क्योंकि डीएनए जो है इसके अंदर जो बेस पेयर्स पाए जाते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बंध रहता है, जिसे तोड़ना इतना आसान नहीं है जितना कि हम लोगों को लगता है। इसलिए जरूरी है कि इस सबसे पहले तो हमको इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेंगे, और उसके बाद इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के बाद जो है ये करना है कि अब जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो बेस पेयर्स जो जुड़े हुए हैं वो ब्रेक होंगे बीच से, और फिर आपका क्या टूटेगा, डीएनए जो है वो टूटेगा। लेकिन डीएनए को तोड़ने के लिए भी एक ओरिजिन पॉइंट जो है उसका होना जरूरी है, और उस ओरिजिन पॉइंट को बताने का काम आपका डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है
वो करता है, वो डिटेक्ट करता है कि कौन से वाले पॉइंट से हम डीएनए को तोड़ सकते हैं। डीएनए पॉलीमरेज के अलावा भी कुछ एंजाइम्स है जो इसमें काम करते हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे हम स्टेप समझते जाएंगे तो उन एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक ओरिजिन ऑफ ओरिजिन पॉइंट रहता है जिसको पहले सबसे पहले डिटेक्ट करना होता है, और उसके बाद उस ओरिजिन पॉइंट पे ही क्या होता है, डीएनए जो है वहीं से रेप्लिकेट होना स्टार्ट करता है, मतलब अनजिपिंग होना। अनजिपिंग ये भी जिप में है, अनजिपिंग मतलब चेन जो है ओपन हो रही है, यहाँ की अब चेन जो है खुल रही है, अभी चेन जुड़ी हुई है, अभी चेन जैसी खुलेगी मतलब अनजिपिंग होगा तो डीएनए जो डबल स्ट्रैंड के दिख रहे हैं वो अलग हो जाएंगे और अलग अलग आपके स्ट्रैंड जो है दिखाई देंगे, ठीक है। और जो सिंगल सिंगल जो स्ट्रैंड बनेंगे उससे हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट डीएनए, ठीक है। तो ये पहला जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है, डीएनए जो है वो टूटता है। इनिशिएशन मतलब सबसे पहला जो शुरुआत है वो इस प्रकार से होगा कि जो डीएनए का अनवाइंडिंग होगा, अनजिपिंग होगा, मतलब डीएनए जो है वो टूटेगा, डबल स्ट्रैंड से वो सिंगल स्ट्रैंड में तब्दील होगा, ये पहला स्टेप है। उसके बाद जो है सेकेंड स्टेप की अगर बात की जाए, सेकेंड स्टेप जो है आपका वो है आपका इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है उसे देखते हैं। Elongation, as the strands are separated, the polymerase enzyme starts synthesizing the complementary sequence in each of the strand. The parental strand will act as a template for newly synthesized daughter strands. अब elongation की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। Elongation मतलब जो हमारा सेकेंड स्टेप है उसमें क्या होगा कि अब हमारा मेन काम स्टार्ट होगा। हमारा डीएनए तो है जो सेपरेट हो गया, डीएनए जब सेपरेट हो गया अब इस एंजाइम का, ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इसका मेन काम जो है अब वो स्टार्ट होने वाला है। ये आपका डीएनए है जो डबल स्ट्रैंड है, इसी अगर डायग्राम को मैं कुछ इस प्रकार से बनाऊं कि ये आपका क्या है, डीएनए है, ठीक है। तो ये बेस पेयर्स, ये डीएनए है, मैंने इसको तोड़ा तो ये ऐसे ऐसे हुआ, और इसी डायग्राम को अगर मैं यहां बनाऊं तो ये एक स्ट्रैंड और ये एक दूसरा स्ट्रैंड जो डीएनए का हमको प्राप्त हुआ, और इसे हम क्या बोलते हैं, जो सिंगल सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के प्राप्त होते हैं उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट, ठीक है। तो कभी भी अगर आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को रेप्लिकेशन करना है डीएनए का, तो उसको बहुत जरूरी चीज है टेम्पलेट का होना। टेम्पलेट के बिना जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो उसे टेम्पलेट की आवश्यकता होती है, और टेम्पलेट से ज्यादा जो जरूरी चीज है, मतलब टेम्पलेट तो है ही, टेम्पलेट सबसे जरूरी चीज है, टेम्पलेट के बाद जो दूसरा चीज है जो इसको जरूरत होता है अगर रेप्लिकेशन करना है तो वो होता है आपका प्राइमर। अब ये प्राइमर क्या है, तो प्राइमर ही क्या है, आपका शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अर्थात क्या हो रहा है यहां पर कि जो प्राइमर है ये छोटे छोटे डीएनए के ही पीसेस हैं, ये मतलब न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे सीक्वेंस है। एक इसकी जरूरत है डीएनए पॉलीमरेज को, और एक इसकी जरूरत है। तो नंबर वन ये पहला इंग्रेडिएंट, नंबर टू ये पहली सामग्री, दूसरी सामग्री। अब इन दोनों की सहायता से वो क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को वो करेगा। कैसे करेगा उसे देखते हैं। ये यहाँ पर सिंगल सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये आपका क्या है 5' एंड, ये आपका क्या है 3' एंड, और यहां पर आपका 3' एंड, यहां पर आपका 5' एंड, क्योंकि ये दोनों अलग हुए हैं ना, यहां से यहां अलग हुए ना। तो कभी भी याद रखेंगे जो डीएनए के स्ट्रैंड इस तरीके से जब रहते हैं, तो अगर एक स्टार्टिंग यहां पर ऊपर में अगर 5' है
तो यहाँ पर इसका थ्री डैश होगा एंड पे, और दूसरी ओर जो दूसरा स्ट्रैंड रहेगा उसकी स्टार्टिंग होती थ्री डैश पे और वो खत्म होगा फाइव डैश पे। हमने ये डीएनए रेप्लिकेशन जब पढ़ा था तब हमने इस चीज को डिस्कस भी किया था, ठीक है। अब ये जो हुआ, यहाँ पर फाइव डैश था, यहाँ पर थ्री डैश था, अब तो फाइव डैश के अपोजिट यहाँ थ्री डैश रहेगा और यहाँ पर फाइव डैश रहेगा, ठीक है। अब ये डायरेक्शन थे फाइव डैश डायरेक्शन, थ्री डैश डायरेक्शन, ये दोनों अलग हुए तो कुछ इस प्रकार से अलग हुए। अब हमारे पास टेम्पलेट है, अब टेम्पलेट है और हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसे किसकी जरूरत है? दो चीजों की, एक टेम्पलेट की आवश्यकता है और एक प्राइमर की। प्राइमर क्या होते हैं? शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, मतलब छोटे छोटे डीएनए ही रहते हैं वो, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तो उसी को ही बोलेंगे ना, तो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंस हैं इनकी आवश्यकता होती है। तो इन दोनों की सहायता से वो क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस को करेगा, जो आपकी सेकेंड स्टेप इलोंगेशन कहलाता है। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा? इलोंगेशन। पहला जो स्टेप था इनिशिएशन में, हमारा जो डीएनए है वो फाइनली क्या हो गया है, अलग हो गया, सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद जो फाइनली जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में हमको ये देखना है कि आपका जो डीएनए है वो किस प्रकार से रेप्लिकेशन हो रहा है, और रेप्लिकेशन करने का काम कौन करेगा? ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये करेंगे। किस प्रकार करेंगे? एक टेम्पलेट को यूज करेंगे, जो ये टेम्पलेट है, और एक हमारा प्राइमर को। तो कैसे होगा उसके देखते हैं। एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपका जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो कभी भी डीएनए टेम्पलेट के थ्री डैश एंड से ही काम करना स्टार्ट करता है, यहीं से वो जोड़ना स्टार्ट करेगा। कैसे जोड़ेगा? ये जो थ्री डैश एंड है यहाँ का और ये जो थ्री डैश एंड है यहाँ का, यहाँ पर वो क्या करेगा, एक इस प्राइमर को लाके यहाँ यहाँ लाएगा, ये ला दिया यहाँ पर, ठीक है, ये ला दिया छोटा सा प्राइमर यहाँ पर, ठीक है। अब इस प्राइमर को यहाँ लाने के बाद ये जो डीएनए पॉलीमरेज है इस प्राइमर को इस हमारे जो टेम्पलेट डीएनए उसके साथ वो जोड़ना स्टार्ट करेगा। जोड़ेगा तो इतना हमारा डबल स्ट्रैंड बन गया। अब इसी को ही वो क्या करेगा, आगे बढ़ाते जाएगा और आपका पूरा डीएनए जो है वो जुड़कर एक पूरा नया डीएनए स्ट्रैंड, ये डबल स्ट्रैंड बना और ये आपका क्या कहलाएगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। तो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, ये पूरा कंप्लीट डीएनए बन गया, क्योंकि ये जो छोटा सीक्वेंस था हमारे पास प्राइमर, इसी को ही जोड़ के वो आगे बढ़ाने लगा। जोड़ जोड़ के वो क्या करने लगा, प्राइमर्स को जोड़ जोड़ के वो पूरा एक नया डीएनए क्रिएट कर दिया, निर्मित कर दिया। किसने? आपके डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना है कि जो डीएनए ये पॉलीमरेज एंजाइम जो है इस प्राइमर को यूज करता है तो सिर्फ किस चीज के लिए यूज कर रहा है, वो डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए, बेसिक चीज के लिए यूज कर रहा है। उसके बाद उसको वो हटा देता है वहां से, तो वो उसे सिर्फ एक नया स्टार्ट करने के लिए। प्राइमर इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको डीएनए रेप्लिकेशन का स्टार्ट करना है, और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कौन दे रहा है, हमारा दे रहा है ये प्राइमर। क्योंकि कभी भी टेम्पलेट तो है ही है, टेम्पलेट तो हमारा ओल्ड स्ट्रैंड है, पुराना वाला स्ट्रैंड है जो हमारे पुरानी डीएनए से प्राप्त है, लेकिन नया डीएनए बनाने के लिए कुछ हमको ऐसी चीज की आवश्यकता होगी जिसमें डीएनए के गुण जो है वो रहेंगे। और वो जो डीएनए के गुण है वो कहाँ से मिल रहे हैं, इन शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से, जो क्या है आपके प्राइमर्स है, क्योंकि ये इसमें तो सब चीजें हैं, आपका सीक्वेंसिंग है, आपका बेस पेयर्स भी है, और यही सब चीजें तो डीएनए में होती है। तो उसको उसने जोड़ा और फिर उसी को ही वो आगे बढ़ाता जाता है और डीएनए का पूरा रेप्लिकेशन होता है। और इसमें ऐसा हुआ, अब फिर से वो यही वाला प्राइमर जो है किसमें यूज करेगा, ये वाले में, दूसरे वाले स्ट्रैंड में। एक ये डीएनए बन गया अपना नया, अब इसमें कहां से स्टार्ट करेगा, इसमें भी थ्री डैश एंड से ही स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज कभी भी डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है थ्री डैश एंड से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक प्राइमर जुड़ा फिर से और फिर वो आगे बढ़ता जाएगा और ये आपका नया डीएनए प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से कुछ आपका डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, और इससे कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज जो आपका एंजाइम है वो कर रहा है, ठीक है।
अब ये जो मैंने प्रोसेस बताई जो डीएनए रेप्लिकेशंस की, जो ये डीएनए रेप्लिकेशन है ये मैंने एकदम शॉर्ट में बताया, मतलब पहले तो आप जान लीजिए कि होता कैसे है डीएनए रेप्लिकेशन। पहले इनिशिएशन की प्रोसेस होती है, पहले डीएनए टूटता है, ओरिजिन पॉइंट पता चलता है, उस ओरिजिन पॉइंट से डीएनए टूटेगा, फिर जो है आपका नया जो सेकंड स्टेप है जो इलोंगेशन है उसमें क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन का एक्चुअल प्रोसेस हो रहा है जिसे कर कौन रहा है, हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कर रहा है। किस प्रकार से, किसकी हेल्प से, एक टेम्पलेट डीएनए से और एक प्राइमर की सहायता से वो नया डीएनए जो है उसने बनाया। तो इस प्रकार से ये एक फ्लो लाइन हुआ हमारा, पहले तो हमने डीएनए रेप्लिकेशन को समझ दिया। अब इस डीएनए रेप्लिकेशन को जानने के बाद इस चीज को ही हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि अभी तो हमने सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम देखा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे एंजाइम हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, आपके डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में। ठीक है, तो वो रेप्लिकेशन कौन कौन से एंजाइम है उनके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। ये मैंने पहले तो इनिशिएशन इन इलोंगेशन क्या होता है वो मैंने भी बताया अभी आप लोगों को सिर्फ। ठीक है, इसमें एक चीज का भी ध्यान रखा जाता है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है अपने काम को लेकर इतना ज्यादा सीरियसनेस रखा हुआ है इस एंजाइम ने कि अगर गलती से कभी भी ऐसा हुआ कि गलत सीक्वेंस डलने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, डीएनए रेप्लिकेशन अच्छे से नहीं हो सकता, और अगर डीएनए रेप्लिकेशन अच्छे से नहीं हुआ, डुप्लीकेशन हो गया या डिलीशन हो गया किसी चीज का, तो उस स्थिति में म्यूटेशन होने की संभावना रहती है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है हमारा इसलिए क्रॉस चेक करने का काम भी करता है। जब वो डीएनए रेप्लिकेशन करता रहता है तो वो चेक भी करते रहता है कि क्या कोई गलत सीक्वेंस तो नहीं डल गया है। तो बहुत कम चांसेस रहते हैं आपके गलत सीक्वेंसिंग होने के, लेकिन कई बार एरर हो जाने की वजह से, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से अगर ये सीक्वेंस गलती से गलत जगह पर ऐड हो गए तो उस स्थिति में म्यूटेशन हो सकता है और कैंसर तक का खतरा जो है आपको आ सकता है। तो इस प्रकार से डीएनए पॉलीमरेज जो है चेक करने का काम भी जो है अपना करता है, इस चीज का खास ध्यान रखता है वो कि वो रीचेक क्रॉस चेकिंग हमेशा करते रहे। तो कुछ इस प्रकार से आपके डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। उसके बाद अगर बात की जाए इसमें जो और क्या क्या एंजाइम्स हैं जो यूज हो रहे हैं आपके डीएनए रेप्लिकेशन में, तो एक तो है आपका डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज जो है इसमें सिर्फ एक ही प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज यूज नहीं होता, डीएनए पॉलीमरेज 1 यूज होता है, डीएनए पॉलीमरेज 2 यूज होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 भी यूज होता है। इन सबके अलग अलग काम है, और अगर कोई एक जो है ओरिजिन को समझ रहा है ओरिजिन कहाँ पर है तो दूसरा जोड़ने का काम कर रहा है, तीसरा रीचेकिंग का काम कर रहा होगा। ये भी हो सकता है कि लास्ट लास्ट में एंड में ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कुछ और काम कर रहे हो, तो अलग 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 का जो प्राइमर है ये प्राइमर कहां से आया। तो डीएनए पॉलीमरेज कैन ओनली ऐड न्यूक्लियोटाइड एंड जो रहता है यहां पर ओएच ग्रुप उपस्थित रहता है, ओएच ग्रुप। ठीक है, आपका OH ग्रुप रहने की वजह से यहाँ पर एक ना एक ये जो OH ग्रुप है वो हुक की तरह काम करता है, कपड़े में हुक लगा रहता है ना इस टाइप का, जो फिर आप ऐसे करके जोड़ते हैं आप उसको ऐसे करके, है ना। तो ये जो हुक का काम यहाँ पर कौन करता है, ये OH ग्रुप जो 3- एंड पर उपस्थित रहता है। ये जो 3- एंड है वहां पर आपका OH ग्रुप एक हुक के समान कार्य करता है, और ये जो हुक है एंड एज ए हुक एडिंग अ न्यूक्लियोटाइड टू दिस ग्रुप इन द पॉलीमराइज रिएक्शन। उसके बाद जैसे ही कोई आपका डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर जोड़ता है, जब पहले प्राइमर को लाकर यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना स्टार्ट करता है, तो वो जो न्यूक्लियोटाइड है वो इस
OH में जुड़ता जाता है और OH क्या काम कर रहा है, हुक के जैसे काम कर रहा है, तो हुक से वो फंस रहा है कुछ इस प्रकार से, ताकि जो DNA है जो पूरा बनेगा वो फंसा रहे, वो निकले मत। तो OH ग्रुप जो है 3' एंड पे उपस्थित होता है, जो कि एक हुक के समान कार्य करता है, इसीलिए DNA पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो 3' एंड से ही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो एक सबसे बड़ा ये रीजन है, ठीक है। अब देन दिस अब ये जो प्राइमर है, अब अगर प्राइमर की हम बात करें तो प्राइमर कहां से आता है, तो प्राइमर आता है हमारे एक एंजाइम से जिसका नाम है प्राइमेज। ये जो प्राइमेज एंजाइम है इसका जरूरी था होना, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमको, हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तो था, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी चीज नहीं थी जिसको हम जोड़कर हम नया डीएनए बना सके। तो उस चीज का समाधान किसने किया, इस प्राइमेज एंजाइम ने। इस प्राइमेज एंजाइम ने क्या किया, डीएनए के प्राइमर बनाना, छोटे छोटे डीएनए के प्राइमर बनाना, सॉरी आरएनए के प्राइमर बनाना इसने स्टार्ट किया, आरएनए के छोटे छोटे सीक्वेंस, ठीक है, आरएनए प्राइमर्स इसने बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। आरएनए प्राइमेज मेक्स एन आरएनए प्राइमर ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट। अब आरएनए, जो आरएनए के छोटे छोटे सीक्वेंस अब उसमें रहेंगे, तो उसको ही हम टेम्पलेट के जैसे यूज करने लगे। हमारे डीएनए पॉलीमरेज जो है उसने देखा कि ये जो प्राइमेज एंजाइम है वो क्या कर रहा है, छोटे छोटे आरएनए के सीक्वेंस, आरएनए के प्राइमर बना रहा है, तो क्यों ना इस छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को ही मैं इसे जो इसमें जोड़ने में यूज करूं, ताकि जो है मेरा जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो अच्छे से हो सके। इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्राइमर को यूज किया जाने लगा, और प्राइमर कौन बना के दे रहा है, हमारा प्राइमेज जो एंजाइम है वो बना के दे रहा है। ए टिपिकल प्राइमर इज अबाउट 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। अगर प्राइमर की बात की जाए तो हमारा एक बस प्राइमर जो है, जो मैंने बनाया ना छोटे छोटे सीक्वेंस, हमारा एक प्राइमर जो है कितना बड़ा होता है, हमारा एक प्राइमर में कम से कम 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, मतलब 10 न्यूक्लियोटाइड आपके सीक्वेंस जो है बने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो मतलब 10 न्यूक्लियोटाइड के जो है लॉन्ग होता है आपका एक प्राइमर। द प्राइमर प्राइम्स डीएनए सिंथेसिस, दैट इज गेट इट स्टार्टेड। और जो हमारा प्राइमर है उसका मेन काम क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करना, क्योंकि वो जोड़कर स्टार्ट ही तो कर रहे, डीएनए रेप्लिकेशन करना, तो ये हमारे प्राइमर का मेन काम है। तो आई होप आप लोगों को